हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रिचा, गायनोकोलॉजिस्ट, यूट्यूबर और आपकी फ्रेंड। आज मैं बात करूंगी एक सिस्ट, दैट इज बार्थोलिन सिस्ट, जो आपको प्राइवेट एरिया में एक स्वेलिंग की तरह नज़र आता है। ये स्वेलिंग एक तरफ भी हो सकती है और दोनों तरफ भी हो सकती है। ये जनरली आपके जो इंट्रोइटिस है, वजाइना की जो ओपनिंग है, वहाँ पर ये स्वेलिंग होती है। ये स्वेलिंग थोड़ी सी छोटे साइज़ की भी हो सकती है, बहुत बड़े साइज़ की भी हो सकती है। इसमें इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन होके इसमें पस जम जाता है, तब हम इसे कहते हैं बार्थोलिन एब्सेस। इसमें आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, वहाँ पे छूने से दर्द रह सकता है, आपको फीवर भी आ सकता है। तो इस डिज़ीज़ को कहते हैं बार्थोलिन सिस्ट और बार्थोलिन एब्सेस, जो आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको डायग्नोसिस करके, कंफर्म करके बता सकते हैं। क्या इलाज है इसका? ये इलाज समझने के लिए मैं आपको एक पैथोलॉजी बताती हूँ। बार्थोलिन सिस्ट एक बार्थोलिन ग्लैंड है। इस ग्लैंड का काम ये है कि वो सिक्रीशन करता है वजाइना को लुब्रिकेट करने के लिए, जिससे वजाइना मॉइस्ट रहे। जैसे आपके स्वेट ग्लैंड से जैसे आपको पसीना आता है, वैसे ही हमारे बार्थोलिन ग्लैंड होते हैं। इस ग्लैंड में जो डक्ट होता है, जिससे ये चीज़ें सिक्रीट हो जाती हैं, वो ग्लैंड का डक्ट कभी कभी बंद हो जाता है। बंद हो जाता है तो सिक्रीशन अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, और अब जब इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो इसमें पस जम जाता है। तो ये सभी को ये बार्थोलिन ग्लैंड होता है, दोनों ही साइड होता है वजाइनल ओपनिंग के। किसी को इस इन्फेक्शन की टेंडेंसी होती है, सिस्ट फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है, और किसी को नहीं होती। इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि किसको होगी और किसको नहीं होगी। क्या इलाज है इसका? इलाज यही है कि अगर आपको पस जम गया है, तो पहले तो हम इस पस को एस्पिरेट करके कल्चर के लिए भेज सकते हैं। पस सबसाइड हो जाए, उसको एंटीबायोटिक दे सकते हैं। लेकिन इस केस में आपको फिर से, क्योंकि आपकी डक्ट ब्लॉक है, सिक्रेशंस जैसे ही इकट्ठे होंगे, वैसे ही वहाँ पे फिर से इन्फेक्शन होगा और आपको फिर से ये एब्सेस बन जाएगा। तो दूसरा जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि हम डक्ट को हमेशा के लिए ओपन कर दें, एंड दैट इज मार्सुपलाइजेशन, डक्ट की ओपनिंग करना। लेकिन कभी कभी ये जो ओपनिंग बनाई जाती है, ये भी ब्लॉक हो जाती है। इसलिए ऐसे केसेस में फिर जो एंड सर्जरी होती है, वो यही होती है कि उस पूरी की पूरी सिस्ट को निकाल दिया जाता है, दैट इज बार्थोलिन सिस्ट एक्सीजन। तो ये इसके तीन तरह के ट्रीटमेंट है, जो भी पेशेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। क्या इस डिजीज से बचा जा सकता है? क्योंकि इसका एग्जैक्ट इटियोलॉजी नहीं पता, इसलिए अवॉइड करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर आप बेटर हाइजीन मेंटेन करते हैं, थोड़े से अलर्ट रहते हैं, जल्दी डॉक्टर के पास अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, तो आप इसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो ये रहा बार्थोलिन सिस्ट के बारे में। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच।